दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन में तीसरी बार चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं, ये तो शायद भगवान ही जानता है या फिर जानते हैं टीम केकेआर की किस्मत। यानी दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि टीम केकेआर हमेशा से ही ऑन पेपर एक बहुत ही अच्छी टीम बना लेते हैं, बट ऑन ग्राउंड जब ये टीम उतरती है तो बहुत कच्ची या फिर कमज़ोर नज़र आती है। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीम केकेआर के न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन यानी श्रेयस अय्यर, जो कि पिछले साल भी कैप्टन थे, उनके क्या बड़े बयान है, क्या अग्रेसिवनेस है आईपीएल को लेकर, ट्रॉफी विनिंग को लेकर, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर दबा लेना। सो दोस्तों मैं आप सभी फैंस को बता दूं कि श्रेयस अय्यर अगर टीम इंडिया की अगर बात करें तो करंटली T20 स्क्वाड में तो अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं प्लेइंग 11 में। कभी बैकअप रहते हैं तो कभी बैकअप के बैकअप यानी रिजर्व प्लेयर रहते हैं, यानी प्लेइंग 11 में भी इनको यानी जो स्क्वाड होता है मेन स्क्वाड उसमें भी जगह नहीं मिलती है। बट हाँ ODI के तो दोस्तों ये चैंपियन है यानी मास्टर ब्लास्टर ODI ये बन चुके हैं, ODI में मिस्टर कंसिस्टेंट ये बहुत रह चुके हैं। हालांकि अभी बांग्लादेश के खिलाफ इनकी सीरीज है तो लेट्स सी परफॉर्मेंस इनकी कैसी रहती है, बट अच्छी परफॉर्मेंस ही रहेगी। आप सभी तो जानते हो श्रेयस अय्यर एक क्वालिटी प्लेयर हैं, बट मैं आप सभी को बता दूं कि श्रेयस अय्यर यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने पिछले साल स्टेटमेंट दी थी कि हम जीते या हारे अग्रेसिव गेम प्ले ही करेंगे। तो इस सीजन भी दोस्तों आईपीएल आने वाला और आईपीएल को लेकर श्रेयस अय्यर, कोच भरत अरुण या फिर हेड कोच चंद्रकांत पंडित की भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बाहर निकल कर आई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये अगर आप स्टेटमेंट्स सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी फॉलो कर लो, नीचे लिंक है। श्रेयस अय्यर ने बताया है कि हमारी अप्रोच वही रहने वाली है, हाँ कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पर हम चेंजेस करने वाले हैं। अब अच्छे चेंजेस से मतलब यह है कि ज़्यादातर डोमेस्टिक प्लेयर आने वाले हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने बताया है कि हम ओवरसीज ऑप्शंस को भी अच्छे से घुमाएंगे। ओवरसीज ऑप्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर का ये कहना है कि टीम ट्रॉफी जीते या फिर ना जीते एक अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके तभी निकलेगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम के क्या जीत रही है ट्रॉफी या फिर नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।